हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रवीण कथुरिया किचन। जैसा कि आपको पता है, मेरा 15 डे पराठा चैलेंज चल रहा है, तो आज 7th डे है। आज मैं प्याज का पराठा बना रही हूँ और इतना टेस्टी, इतना बढ़िया पराठा बनेगा, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल आटा लिया, होल व्हीट फ्लोर लिया, उसके बाद पानी डाल रही हूँ। जैसे डो लगाते हैं रोटी के लिए, चपाती के लिए, वैसा ही हमने सिंपल सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मली आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसको। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत बढ़िया बनेगा और ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी और बहुत इजीली बन जाएगा। अब ये डो लगा के मैंने रख दिया है, बाकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। एक अनियन लिया था मैंने, उसको बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको हाथों से ही काटना है, इसको चॉपर में चॉप नहीं करना, उससे क्या होता है पानी निकल आता है। एक हरी मिर्च लिया है बारीक चॉप करके, वो डालिए इसके अंदर। धनिया लिया है, एक टेबलस्पून धनिया डाला है इसके अंदर चॉप किया हुआ। इसके बाद नमक मैं अभी नहीं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि नमक डालते प्याज पानी छोड़ देंगे। इसके बाद अजवाइन डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला मैंने और हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे पहले। अभी नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ देंगे प्याज, इसलिए नहीं डाला मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले मिक्स हो जाएं इसके साथ। इसके बाद मैंने बेसन लिया था, 1 टेबलस्पून बेसन है बस, उसको भून लिया था पहले मैंने, ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो प्याज है उसका पानी ये सोख लेगा बेसन। इसके साथ ही मैं नमक भी डाल दूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब फिर से इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी पराठा हमारा टूटेगा नहीं और ना प्याज पानी छोड़ेंगे। पानी अगर छोड़ेंगे भी तो बेसन सोख लेगा पानी को, इसलिए ड्राई ड्राई बनेगा। अब मैंने एक लोई ले ली आटे में से, इसको हाथों से थोड़ा फ्लैट कर लूँगी। इसके बाद हाथ से फ्लैट कर रही हूँ, इसके बाद बेलन से कर लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा ही बेलना है इसको। इसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो डाल देंगे इसके अंदर। ये फिलिंग डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा फिलिंग डाल रही हूँ क्योंकि ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर कम फिलिंग हो गई तो प्याज़ों का टेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब इसको ऐसे करके इकट्ठा कर लेंगे, चुन्नट डाल के, ऊपर से भी पूरा चुन्नट डाल के वहीं फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे प्रेस कर देंगे इसको, ये पूरा पैक हो जाएगा। इसके बाद हाथों से इसको फ्लैट कर लूँगी और सूखा आटा लगा रही हूँ साथ साथ। दोनों साइड से इसको रख के प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से, साइड साइड से बेलना है, सॉफ्टली बेलना है बिल्कुल। इसको प्रेस नहीं करना ज़्यादा, नहीं तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। इसको साइड से ही कर रही हूँ मैं, साइड साइड से फ्लैट करती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ। ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने तवा गरम कर लिया था, तवे के ऊपर डाल दिया इसको। पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ था तवा, अब साइड चेंज कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से सेक लेना है, देसी घी लगा के सेक रही हूँ मैं इसको। अगर आप और कोई ऑयल या घी खाते हो या तेल कोई भी खाते हो, आप वो लगा सकते हो इसके ऊपर, बटर भी लगा सकते हो इसके ऊपर। इसको प्रेस कर रही हूँ अच्छी तरह से और इसको सेकते जाना है।
अभी दूसरी साइड से सिक्का नहीं है, अभी एक साइड से सेक रही हूँ, अब साइड चेंज कर रही हूँ। अब देसी घी लगा रही हूँ इसके ऊपर अच्छी तरह से, पूरी तरह फैला देना देसी घी को, तभी सब तरफ से प्रॉपर सिक जाएगा ये। अच्छी तरह से देसी घी लगा रही हूँ साइड्स में भी और बीच में भी। अब फिर से इसकी साइड चेंज कर देंगे, अब दूसरी साइड भी देसी घी लगा देंगे। मैं देसी घी यूज़ करती हूँ पराठा बनाने में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस साइड से भी अच्छी तरह देसी घी लगा देंगे, साइड से भी और बीच में से भी। और इसको सेकती जा रही हूँ उलट पलट करके। क्योंकि जो पराठा होता है थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है, सॉफ्ट पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए टूटा भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फिलिंग हमने बिल्कुल ड्राई कर दी थी ना इसकी, इस वजह से, ये बेसन की वजह से हुआ है। बेसन बिल्कुल पानी जो है सोख लेता है इसलिए। इस तरफ से भी अच्छा सिक गया, कलर बहुत प्यारा आया है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। अच्छी तरह से सेक लेंगे इसको। अब ये रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए कितना फिलिंग इसके अंदर, कितनी प्यारी फैली हुई है, एकदम से सब तरफ फैली हुई है फिलिंग इसकी प्याज की, लग रहा है ना बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोस का, मेरी रेसिपीज़ का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।